नबी करीम सल वसलम बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह के आखिरी नबी है और आप पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है लिहाजा नबी करीम सलम की पाकिजा जिंदगी उम्मत मुसलिमा के लिए ताकाम वाजिबल इतबा रिश्तो हिदायत का अबी सर चश्मा और जरिया नजात है यक़ीनन रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है लिहाजा रहमत की सीरत मतहरा का मुताला हर मुसलमान की जिंदगी का लाजमी हिस्सा करार पाया मुसलमान मर्दों औरतों और बच्चों की इसी जरूरत के पेश नजर नबी रहमत वसल्लम की सीरत तय्यबा पर सेट तैयार किया है जिसकी तैयारी में कुरान मजीद सही अहादीस और मुस्तनद सीरत की किताबों से इस्तेफा किया गया है इस सेट में सीरत को मुफसल तौर पर बयान किया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तमाम पहलू और वाकयात तरतीबाराई दिलचस्प अंदाज खूबसूरत आवाज और आसान अल्फाज में बयान किए गए हैं लीजिए समाज फरमाइए आलमीन। सीरत नबवी को मुकम्मल तौर पर बयान करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इस्लाम से पहले और बाद के हालात का तकबुल न किया जाए इसलिए हम असल मजमून से पहले इस्लाम से पहले अरब की कैफियत बयान करेंगे अरब अकवाम और उनकी मुआशरत का नक्शा खींचेंगे फिर वो हालात बयान करेंगे जिनमें रसुल्लाम की बेसत हुई लफ्ज अरब के लघवी माना सहरा और ग्याह जमीन के हैं आहद कदीम से यह लफ्ज जजीरा नुमाए अरब और उसमें बसने वाली कौमों पर बोला गया है अरब के मगरब में बहरे अहमर और जजीरा नुमाए सीना है मशरक में खलीज अरब और जुनूबी इराक का एक बड़ा हिस्सा है जुनूब में बहरे अरब है जो दर हकीकत बहरे हिंद का फैलाव है शिमाल में मुल्क शाम और किसी कदर शिमाली इराक है इनमें से बा सरहदों के बारे में इख्तिलाफ भी है कुल रकबे का अंदाजा दस लाख से तेरह लाख मुबा मील तक किया गया है नस्ली एतबार से मर्रखीन ने अरब अकवाम की तीन किस्में करार दी है नंबर एक अरब बायदा, यानी वो कदीम अरब कबाइल और कौमें जो बिल्कुल नापैद हो गई और उनके मुतालिकरू मालूम भी दस्तियाब नहीं मसलन आद समूद तस्म जदीस अमालिका वगैरह नंबर दो अरब आरिबा यानी वो अरब कबाइल जो यारुब बिन यशजुब बिन कहतान की नस्ल से हैं इन्हें कहतानी अरब कहा जाता है नंबर तीन अरब मुस्तारिबा यानी वो कबाइल जो सैदिना इसमाइल की नस्ल से हैं इन्हें अदनानी अरब कहा जाता है अरब आरबा यानी कहतानी अरब का असल गहवारा मुल्क यमन था यहीं उनके खानदान और कबीले मुख्तलिफ शाखों में फूटे फैले और बढ़े उनमें से दो कबीलों ने बहुत शोहरत हासिल की एक हिमियर जिसकी मशहूर शाखें ज़ैदुल उल जमहूर कु और सकासिक हैं। दूसरा कहलान जिसकी मशहूर शाखें हमदान अनमार मजहिज तय किंदा, लखम, जुजाम अज खजरज और औलाद जफना हैं, जिन्होंने आगे चलकर मुल्क शाम में बादशाहत कायम की और आले गसान के नाम से मशहूर हुए अरब मुस्तारबा के जद्द आला सदना इब्राहिम असलंद इराक के एक शहर ऊर के बाशिंदे थे ये शहर दरिया के मगरबी साहिल पर कूफे के करीब वाक था इसकी खुदाई के दौरान में जो कदबे बरामद हुए उनसे इस शहर के मुतालिक बहुत सी तफसी आम पर आई है और सईद इब्रीम के खानदान की बास तफसत मालूम हुई है नीज मुल्क के दीनी और इज्तमाही हालात भी सामने आए हैं सैद दिना इब्राहिम यहाँ से हिजरत करके शहर हर तशीफ ले गए थे और फिर वहां से फिलस्तीन जाकर उसको अपनी दावती सरगर्मियों का मरकज बना लिया और दावतो तबलीग के लिए यहीं से और मुल्क आते जाते रहते थे। एक बार आप मिस्र तशरीफ गए, फिर ऑन ने आपकी बीवी सैयदा सारा की कैफियत सुनी तो बदनीयत हो गया उन्हें बुरी नीयत से अपने दरबार में बुलाया लेकिन अल्लाह ने सैयदा सारा की दुआ के नतीजे में गैबी तौर पर फिरौन की ऐसी गिरफ्त की कि वो हाथ पांव मारने लगा उसकी नीयत बद उसके मुंह पर मार दी गई और वो इस हादसे की नौीयत से समझ गया कि सैदा सारा अल्लाह की निहायत खास और मुकर्रब बंदी हैं वो उनके इस वसफ से इस कदर मुतासर हुआ कि अपनी बेटी हाजरा को उनकी खिदमत में दे दिया फिर सैदा सारा ने सयदा हाजरा को इब्राहिम की जोजियत में दे दिया इब्राहिम इन दोनों को लेकर फिलिस्तीन वापस तशरीफ लाए फिर अल्लाह ने सैयदा हाजरा के वतन से इब्राहिम को एक इस्माइल फरजंदेलमता फरमाया सैयदा सारा बे औलाद थी इसलिए उन्हें बहुत गैरत आई और उन्होंने सैयदिना इब्राहिम को मजबूर किया कि सैयदा हाजरा को उनके नौजायदा बच्चे समेत जला कर दे आलात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि उन्हें सैयदा सारा की बात मानना पड़ी और वो सैयदा हाजरा और इस्माइल अलहमसलाम को लेकर हिजाज तशरीफ ले गए वहां उन्हें एक बे आब गया वादी में उतार दिया इसी जगह आज बैतुल्लाह है उस वक्त नहीं था सिर्फ टीलों की तरह उभरी हुई जमीन थी सैलाब आता तो दाएं बाएं से कतरा कर निकल जाता था वहीं मस्जिद हराम के बालाई हिस्से में जमजम के पास एक बहुत बड़ा दरख्त था आपने उन दोनों को इसी दरख्त के पास छोड़ा था उस वक्त मक्के में पानी था न इंसान इसलिए सैदना इब्राहिम अल्लाम ने एक तोशादान में खजूरें और एक मशकीजे में पानी रख दिया इसके बाद फिलस्तीन वापस चले गए उधर चंद ही दिन में खजूरें और पानी खत्म हो गया सख्त मुश्किल पेश आई मगर इस मुश्किल वक्त में अल्लाह के फजल से जमजम का चश्मा फूट पड़ा और उनके लिए खुराक का सामान बन गया इस्माइल इस्मा जब जवान हुए तो कबीले से अरबी सीख ली ये कबीला वहां पानी देकर आबाद हो गया था इस कबीले के लोग उन्हें पसंद करने लगे तो इन लोगों ने अपने खानदान की एक खातून से उनकी शादी कर दी इसी दौरान में हाजरा का इंतकाल हो गया उधर सैयदना इब्राहिम को ख्याल आया कि अपना तर्का देखना चाहिए चुनाचे वो मक्का मुआजमा तशरीफ ले गए लेकिन सैयदना इसमायल से मुलाकात न हुई बहू से हालात दरियाफ्त किए उसने तंगदस्ती की शिकायत की आपने वसीयत की कि इस्माईल आए तो कहना अपने दरवाजे की चौखट बदल दें इस वसीयत का मतलब समझ उन्होंने बीवी को तलाक दे दी और एक दूसरी औरत से शादी कर ली जो अमर की साहिबजादी थी उनकी दूसरी शादी के बाद एक बार फिर सैदिना इब्राहिम मक्के तशीफ ले गए मगर इस मर्तबा भी सैदिना इसमाइल से मुलाकात न हो सकी बहू से हाल पूछा तो उसने अल्लाह की हम दो सना बयान की आपने वसीयत की कि इस्माइल अपने दरवाजे की चौखट बरकरार रखें और फिलस्तीन वापस हो गए अल्लाह ताला ने मुजाज की बेटी से इस्माइल इसमाइल को बारह बेटे अता फरमाए इन बारह बेटों से बारह कबीले वजूद में आए और सब ने मक्के ही में रिहायश इख्तियार की उनके हालात जमाने की गर्द में दबकर रह गए सिर्फ नाबित और कैदार की औलाद गुमनामी से महफूज रही कैदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का ही में फैलती फूलती रही यहाँ तक कि अदनान और फिर उनके बेटे माद का जमाना आ गया अदनानी अरब का सिलसिला नसब सही तौर पर यहीं तक महफूज है अदनान नबी वसल्लम के सिलसिला नस्ब में इक्कीसवीं पुश्त में आते हैं बहरहाल माद के बेटे नजार से कई खानदान वजूद में आए दरअसल नजार के चार बेटे थे और हर बेटा एक बड़े कबीले की बुनियाद साबित हुआ चारों के नाम ये हैं याद अनमार रबिया और मुजर इनमें से आखिरी दो कबीलों की शाखे और शाखों की शाखें बहुत ज्यादा हुई चुनाचे रबिया से असद बिन रबिया अनजा अब्दुल कैस वायल बकर और बनु हनीफा वगैरह वजूद में आए मुजर की औलाद दो बड़े कबीलों में तकसीम हुई नंबर एक कैस ऐलान बिन मुजर नंबर दो इलियास बिन मुजर कैस ऐलान से बनु सुम बनु हवाजिन बनु अब्स, जुबियान, अशजा और गनी बिन आसुर के कबाइल वजूद में आए इलियास बिन मुजरसे तमीम बिन मुर्रा हुजैल बिन मुद्रिका बनु असद बिन खुजैमा और किनाना बिन खुजैमा के कबाइल वजूद में आए फिर किनाना से कुरैश का कबीला वजूद में आया ये कबीला फेहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना की औलाद है फिर कुरैश भी मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हुए मशहूर कुरैशी शाखों के नाम ये हैं जुमा सहम आदि मखजूम किलाब के यानी अब्दुद्दार, असद बिन अब्दुल और खानदानी मनाफ, ये तीनों कुई के बेटे थे इनमें से अब्द मनाफ के चार बेटे हुए जिनसे चार जैली कबीले वजूद में आए यानी अब्दुल शम्स नौफल मुतलिब और हाशिम इन्हीं हाशिम की नस्ल से अल्लाह ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया। अब्बास का बयान है कि ने फरमाया। अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे गिरोह के अंदर रखा फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया फिर घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया लिहाजा मैं अपनी जात के जबार से भी सबसे अच्छा हूं और अपने घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूं। जिस वक्त जजीरतुल अरब पर इस्लाम का सूरज दुल् हुआ वहां दो किस्म के हुक्मरान थे एक ताजपोश बादशाह जो हकीकत में मुकम्मल तौर पर आजाद और खुद मुख्तार नहीं थे और दूसरे कबायली सरदार जिन्हें इख्तियार के लिहाज से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी लेकिन इनकी अक्सरियत को तो एक मजीद इम्तियाज ये हासिल था कि वो मुकम्मल तौर पर आजाद और खुद मुख्तार थे उस वक्त ताजपोश हुक्मरान ये थे शाहान यमन शाहान ने आल गस्सान यानी शाम और शाहान हीरा यानी इराक बाकी अरब हुक्मरान ताजपोश न थे अरब अरबा में से कदीम तरीन कौम कौम सबा थी ऊर यानी इराक से जो कतबाथ बरामद हुए उनमें अढ़ाई हजार साल कबल मसीह की इस कौम का जिक्र मिलता है लेकिन इसके उर्ज का जमाना ग्यारह सदी कबल मसीह से शुरू होता है इसकी तारीख के अहम अदवार छह सौ पचास कबल मसीह से पहले का दौर इस दौर में सबा के बादशाहों का लकब मकर सबा था उनका पाए तख्त सिरवाह था जिसके खंडरात आज भी मरब के मगरिब में एक दिन के फासले पर पाए जाते हैं ये खंडरात खुरैबा के नाम से मशहूर हैं। उसी दौर में मरब के मशहूर बंद की बुनियाद रखी गई जिसे यमन की तारीख में बहुत अहमियत हासिल है 650 सौ कबले मसीह से 115 सौ पंद्रह कबले मसीह तक का दौर इस दौर में सबा के बादशाहों ने मकरब का छोड़कर मलिक यानी बादशाह का लकब इख्तियार कर लिया और सिरवाह की बजाय मारिब को अपना दारुस सल्तनत बनाया इस शहर के खंडरात आज भी सनाआ से 60 मील मशरक में पाए जाते हैं 115 सौ पंद्रह कबल मसीह से तीन सौ ईस्वी तक का दौर इस दौर में सबा की ममलुकत पर कबीला हिमियर को गलबा हासिल रहा और इसने मारिब की बजाय रैदान को अपना पाए तख्त बनाया फिर रैदान का नाम जफार पड़ गया जिसके खंडरात आज भी शहर यरीम के करीब एक दायरा नुमा पहाड़ी पर पाए जाते हैं इसी दौर में कौम सबा का जवाल शुरू हुआ 300 ईसवी ईस्वी के बाद से आगाज इस्लाम तक का दौर इस दौर में यमन के अंदर मुसलसल इस बरपा रहा इनकलाबा आए खाना जंगियां हुई और बेरूनी कौमो को मुदाखलत के मौके हाथ आए यहाँ तक के एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की आजादी सल्ब हो गई। चुनाचे इसी दौर में रूमियों ने अदन पर फौजी कब्जा किया और उनकी मदद से हबशियों ने हिमियर और हमदान की आपस में कशमकश से फायदा उठाया और ३४० ईसवी में पहली बार यमन पर कब्जा किया यह कब्जा तीन सौ ईस्वी तक बरकरार रहा इसके बाद यमन की आजादी तो बहाल हो गई मगर मा के मशहूर बंद में रखने पड़ना शुरू हो गए यहां तक के 450 सौ पचास ईस्वी या चार सौ इक्यावन ईस्वी में बन टूट गया और वो अजीम सैलाब आया जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह सभा में अरिम के नाम से किया गया है फिर पांच सौ तेईस ईस्वी में एक और संगीन हादसा पेश आया वो ये कि यमन के यहूदी बादशाह जूनवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला किया उन्हें ईसाई मजहब छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की जब वो इस पर आमादा न हुए तो जूनवास ने खंदकें खुदवाकर उन्हें भड़कती हुई आग में झोंक दिया कुरान मजीद की सूरह बुरुज में इसी लर्जा खेज की तरफ इशारा मौजूद है इस वाके का नतीजा यह हुआ कि ईसाइयत इंतकाम लेने पर तुल गई वो पहले ही रूमी बादशाहों की क्या में बिला वजह अरब की फतूहत के लिए तैयारी कर चुके थे अपने इलाकों को वसी करना चाहते थे उन्होंने हबशियों को यमन पर हमले की दी। उन्हें बाहरी बेड़ा मुहैया किया हबशियों ने रूमियों की शह पाकर पांच सौ पच्चीस ईस्वी में इरियात की क्यादत में सत्तर हजार फौज से यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया कब्जे के बाद ने शाह हब्श के गवर्नर की हैसियत से यमन पर हुक्मरानी की लेकिन फिर उसकी फौज के एक मातहत कमांडर अब्रहा ने उसे कत्ल करके खुद पर कब्जा जमा लिया और शाहे को भी राजी कर लिया कि वो उसके कब्जे को तस्लीम कर ले वही अब्रहा है जिसने बाद में खाना काबा को ढाने की कोशिश की और एक लश्कर जर्रार के अलावा चंद हाथियों को भी फौजकशी के लिए साथ लाया जिसकी वजह से ये लश्कर असहाबुल के नाम से मशहूर हुआ इराक और उसके नवाही इलाकों पर सायर आजम के जमाने ही से आहले फारिस की चली आ रही थी उसे कोरोश कबीर, खोर्स या सायरस जुलकरनैन भी कहा जाता है उसका जमाना पांच सो सत्तावन ता पांच सौ उनतीस कबल मसीह है उसके मुकाबले में किसी को आने की जरूरत नहीं थी यहां तक तीन सौ छब्बी को की ताकत तोड़ दी, जिसके नतीजे ये इंतार दो सौ तीस ईसवी तक जारी रहा इसी दौरान में कहतानी कबाइल ने अपना वतन छोड़कर इराक के एक बहुत बड़े और शादाब सरहदी इलाके पर बूदोबाश इख्तियार कर ली फिर अदनानी लोग अपना वतन छोड़कर उस तरफ आए उन्होंने लड़ भिड़ कर जजीरा फ्रातिया के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया उधर 226 सौ छब्बीस ईस्वी में अर्दशीर ने जब सासानी हुकूमत की दाग बेल डाली तो रफ्ता रफ्ता फारसियों की ताकत एक बार फिर पलट आई अर्दशीर के अहद में हीरा बादक और जजीरे के रबी और मुजरी कबाइल पर जजीमतुल की हुक्मरानी थी शाहान ने के पास फारसी फौज की एक यूनिट हमेशा रहा करती थी जिससे बाद या नशीन अरब बाग़ियों की सरकोबी का काम लिया जाता था